Assalamu alaikum students my name is sir Shah Rukh and i am your physics teacher welcome to the online lecture of Real scholar school system students you have studied your 14th chapter up to the ohms law and example 14.2 abhi ohms law term resistance now we'll discuss about the term resistance and the factors which affect the resistance in today's lecture so let's start bismillah Uh, this is your topic फोर्टीन पॉइंट सिक्स ऑन पेज नंबर नाइनटी नाइन ओपन अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया एक कंडक्टर लिया है लेंथ मार्क किया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया मार्क किया है और उसके अंदर मैंने एक साइन रो का लगाया है जिसे हमने कल जिक्र किया था जिसका उसको आज हमने डिस्कस भी करना है तो हमें ये बात यहाँ पे बताई गई कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर की यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा प्रोवाइड करेगा वो कंडक्टर। और हमें एक और बात यहाँ से नज़र आ रही है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के यानी अगर कंडक्टर वायर जो है उसका डायमीटर ज़्यादा है तो आपके पास रेजिस्टेंस कम होगा यानी चार्जेस को गुजरने में आसानी होगी रेजिस्टेंस कम होने का मतलब रुकावट कम होगी करंट को फ़्लो करने में तो इसका मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स जो हैं वो चार्जेस जो हैं वो इजीली गुजर सकेंगे यानी रजिस्टेंस कम होगा और करंट ज़्यादा होगा और इसी तरह जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा इन दोनों रिलेशंस को इन दोनों फैक्टर्स को मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया के जब मैं इस प्रोपोशनैलिटी को इक्वलिटी में लेकर आऊँगा तो एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया हमने रेजिस्टिविटी नाम का जिसे रो के सिम्बल से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे या नेचर ऑफ द कंडक्टर पे कि वो उसके पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं कितना डेंस है वो कितना रजिस्ट करेगा पार्टिकल्स को मूव करने चार्जेस को मूव करने में कितनी मुश्किल पेश आएगी अक्रॉस दिस कंडक्टर ये रजिस्टिविटी का काम है तो हर सब्सटेंस की अपनी रजिस्टिविटी होगी और ये उसकी कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी होगी अच्छा यहाँ से अगर हम इस रजिस्टर्स वाले फार्मूला से अगर हम रजिस्टिविटी के लिए फार्मूला निकालें तो एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रजिस्टर्स के साथ और लेंथ इधर आके डिवाइड हो जाएगी जिससे हमें कुछ ऐसे फार्मूला मिलेगा अब इधर से ही हम रजिस्टिविटी का सबसे पहले तो यूनिट देखते हैं फिर इसका फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं तो यूनिट इसका क्या आता है आप इस फार्मूले में इस फार्मूला में आपने इस वाले फार्मूला में आपने रेजिस्टेंस की जगह पर पुट किया एरिया की जगह पे मीटर स्क्वायर पुट किया और लेंथ की जगह पे मीटर पुट किया तो आपके पास कटिंग होगी मीटर और मीटर स्क्वायर की तो उससे क्या आपके पास आ गया ओहम्स इनटू मीटर्स तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा ओह ओहम मीटर्स इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि कोई भी कंडक्टर कितने ओह्स प्रोवाइड करता है अपनी एक मीटर की लेंथ पर अच्छा इसका भी फिजिक, अभी फिजिकल अभी फ़िजिकल मीनिंग हम देखेंगे मजीद आगे अभी हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट को कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस के फार्मूला से भी रेजिस्टेंस का यूनिट जिसको हमने अहोम कहा था वो फ़ाइंड करना चाहूँ तो इसका मतलब जब मैं रजिस्टें रजिस्टिविटी की जगह अहोम मीटर पुट करूँगा और लेंथ की जगह मीटर पुट करूँगा और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर रेजिस्टेंस का अहम्स आना चाहिए क्योंकि हमने विजिकल टू आई आर में इसका रिलेशन इसका यूनिट अहम्स निकाला था यहाँ पे हम सॉल्व करके देख रहे हैं हमें नजर आ रहा है कि हमारा यूनिट ओम आ रहा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर ही बनता है ओके नाउ कम टू द फिजिकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी का मैंने बताया कि ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करे यानी मैं कहता हूँ पार्टिकल्स के ऊपर के कितने ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं कितनी ज़्यादा डेंसिटी मौजूद है उसके अंदर पार्टिकल्स की कि चार्ज को फ्लो होने में, में मुश्किल हो तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की उतना मुश्किल से करंट फ्लो कर पाएगा इसके क्रॉस तो अगर हम यहाँ से रजिस्टिविटी को देखें तो मैं, मैं कहता हूँ मैं ए, अगर मैं सिल्वर और आयरन इन दोनों का कंपैरिजन लूँ ठीक है तो मैंने क्या किया सिल्वर का एक मीटर का वायर ले लिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया वन मीटर स्क्वेयर और आयरन का भी वन मीटर का मैंने वायर ले लिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया वन मीटर स्क्वेयर अब यहाँ पे हो कह रहा है क्योंकि सिल्वर की डेंसिटी सिल्वर की डेंसिटी कम है आयरन से तो मेरे पास सिल्वर की रेजिस्टिविटी भी कम आएगी आयरन से वो चीज़ मुझे यहाँ से वैल्यू से नज़र आ रही है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो कि आपकी बुक में गिवन है साइड साइड बॉक्स में वहाँ से आप देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स आपको यहाँ पे गिवन है इस टेबल में पेज नंबर हंड्रेड पे सिल्वर ओम मीटर और आयरन की नाइन पॉइंट एट मीटर एट होम मीटर्स नाइन पॉइंट एट इंटू टेन एज टू पावर 9.8 पॉइंट एट इंटू टेन पावर माइनस एट ओहम मीटर्स ये आपके पास आयरन की रेजिस्टिविटी है अब यहाँ से आप देखें तो आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा और सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है तो इसका फिजिकल मीनिंग ये होगा कि आपके पास आयरन जो है आयरन के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे पर यूनिट लेंथ पे यानी इतनी सी वन मीटर की लेंथ के ऊपर आयरन के आयरन के पार्टल्स ज़्यादा मौजूद होंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किसी भी करेंग, चार्ज को फ्लो करने के लिए तो करंट आपका आयरन के थ्रू कम गुजरेगा ऑफ सेम लेंथ एज दैट ऑफ द सिल्वर वायर सिल्वर में पार्टिकल्स कम हैं तो चार्ज को फ्लो करने में आसानी होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी कम है पर यूनिट लेंथ यानी आप यूँ कहेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है अगर दो चीज़ों को दो मटेरियल को कंपेयर किया जाए तो अगर सिल्वर और आयरन को देखें तो जिसके पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके क्रॉस करंट कम गुजरेगा और जिसके पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके क्रॉस सॉरी जिसके पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होगी उसके क्रॉस करंट ज़्यादा गुजर पाएगा क्योंकि क्लूजंस कम होंगी रेजिस्टेंस कम मिलेगा और जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उससे करंट कम गुज़र पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा ठीक है तो यहाँ से आपने रेजिस्टिविटीज कंपेयर की सिल्वर और आयरन की तो आप देखें कि सिल्वर की 1.8 पॉइंट एट इंटरनेश मतलब सिल्वर की रजिस्टिविटी कम है तो करंट ज़्यादा गुजरेगा और आयरन की रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो करंट कम गुजरेगा अब यहाँ से आपको टेबल से मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देखें कि रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है यहाँ पे वन पॉइंट सिक्स नाइन एट टू टैन पर माइनस एट होम मीटर कॉपर की दैट्स दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग अपनी इलेक्ट्रिक वायर्स में इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम कॉपर वायर को यूज़ करते हैं जो गोल्डन से कलर की आप देखते हैं ठीक है क्यों क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है रेजिस्टिविटी कम का मतलब है कि वो एक मीटर की लेंथ और एक मीटर स्क्वेयर के एरिया के अक्रॉस अगर हम कॉपर कॉपर की कोई और वायर की जगह कॉपर लगाएं तो उधर से करंट ज़्यादा गुजर पाएगा अदरवाइज अगर मैं कॉपर की जगह आयरन की वायर यूज करता हूं तो सेम लेंथ जो कि कॉपर की होगी सेम लेंथ के लिए ज़्यादा ओम्स प्रोवाइड करेगा मुझे आयरन यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम गुजरेगा वहां से तो रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की अपनी होगी और स्पेसिफिक होगी और कॉन्स्टेंट होगी हर दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होगी बट अपने खुद के उस मटेरियल की खुद की जो रजिस्टिविटी है वो थ्रू आउट द मटेरियल कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स की डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं एक मीटर स्क्वेयर का एरिया लूँ और एक मीटर लेंथ लूँ तो रजिस्टिविटी जो है वो रजिस्टेंस के इक्वल आ जाती है ठीक है जो भी किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी मतलब यह है आपका कि रेजिस्टिविटी सिर्फ आपको एक मीटर स्क्वायर के, के एरिया के और एक मीटर लेंथ के एरिया के कंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस का बताती है दैट हाउ मेनी ओहम्स वन मीटर स्क्वेय वायर ऑफ एरिया वन मीटर स्क्वेयर एंड वन मीटर लेंथ प्रोवाइड्स टू द करेंट यानी कितना रजिस्टेंस वन मीटर स्क्वेयर के एरिया की वायर वन मीटर लेंथ की वायर प्रोवाइड करती है किसी भी करंट को वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है ठीक है तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी कि आपकी जो आयरन है वो वन मीटर लेंथ का आयरन वन मीटर स्क्वेयर के एरिया का आयरन जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू वन मीटर स्क्वेयर के एरिया वाले वन मीटर लेंथ के सिल्वर कंडक्टर के मुकाबले में अच्छा इसके बाद आ, मैं आपको रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करी है नेचर का रजिस्टिविटी कैसे अफेक्ट करी है रजिस्टेंस को ये भी दिखाता हूँ यहाँ आपके पास इस पिक्चर में यहाँ आपके पास एक कंडक्टर लिया गया है ये कंडक्टर है ठीक है इसकी पार्टिकल्स की कोई डेंसिटी आपको नज़र आ रही है जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल को रिप्रेजेंट करी है जो कि डेंसिटी बता बताएगी यहाँ पे, इसकी कोई लेंथ है और इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि किस फैक्टर को इंक्रीज डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है आ वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज़ ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को तो मैं रेजिस्टिव एरिया को बढ़ाता हूँ एरिया का इन्वर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ठीक है तो मैं एरिया को बढ़ाता हूँ एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी होगी आपके पास एरिया देखें बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी है ये लिखी हुई आ रही है वैल्यूज़ यहाँ देखिएगा ये एरिया की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी यहाँ एरिया का साइज़ बढ़ेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस का साइज़ कम हो जाएगा तो दोनों जगह पे आपने गौर करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अब मैं लेंथ को बढ़ाऊँगा एरिया को वापस ले आते हैं अब मैं लेंथ टेन सेंटीमीटर से इंक्रीज़ करूँगा तो आपकी रजिस्टेंस क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो मैंने लेंथ बढ़ाई तो आपकी रजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गई आप सिम्बल का साइज़ भी देख सकते हैं और वैल्यूज़ भी देख सकते हैं अब हम क्या करते हैं अब हम अगेन अगेन्सा वापस ला के अब हम रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ने से आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगा और यहाँ पिक्चर में आपके पास पार्टिकल की डेंसिटी पार्टिकल की डेंसिटीज भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी ये देखें रेजिस्टिविटी बढ़ाई रेजिस्टेंस बढ़ा रेजिस्टिविटी कम की तो रेजिस्टेंस कम हुआ और और लेंथ कम की तो भी रेजिस्टेंस कम हो गया बहुत ही छोटा हो गया ठीक है और एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ ओह और एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम तो कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जब हम एरिया भी बढ़ाएं या कम करें लेंथ भी बढ़ाएं या कम करें तब भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे यस हो सकती है अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं और लेंथ को भी बढ़ा दूं तो इससे क्या होगा रेजिस्टेंस वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और से देखें एरिया को मैंने सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर से इनक्रीज़ कर दिया फ़िफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वेयर और लेंथ को भी मैंने टेन सेंटीमीटर से इनक्रीज़ कर दिया ट्वेंटी सेंटीमीटर के और ट्वेंटी सेंटीमीटर तो आपके पास रजिस्टेंस वापस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन सेवन आ गया जो कि पहले भी इतना ही था ये देखें ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जितना हमने डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ किया उतना ही डिनिनेटर में इंक्रीज़ आ गया और अफेक्ट क्या हो गया कैंसल तो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा अच्छा अब आगे आते हैं आपकी एग्जांपल पे तो एग्ज़ाम्पल आपकी जो है फ़ोर्टीन पॉइंट थ्री वह आपको क्या कह रही है कि आपने क्या करना है इसमें इसमें आपको लेंथ ऑफ कॉपर वायर गिवन है वन मीटर ठीक है और डायमीटर गिवन है आपको टू मिलीमीटर और यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि फ़ाइंड क्या करना है आपने आपने फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इतनी साइज़ की और इतने लेंथ की इतने एरिया की वायर की और आपने उसका रेजिस्टेंस निकालना है और कॉपर की रेजिस्टिविटी आपको ख़ुद मालूम चाहिए अगर नहीं भी मालूम तो वो आपको पेपर में दे देंगे अदरवाइज़ आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं कितनी है रजिस्टिविटी की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स नाइन एट वर माइनस एट ओह मीटर्स यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे आपको एरिया नहीं पता होगा आप पहले एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्योंकि अगर डायमीटर गिवन है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर डायमीटर गिवन है तो इसका मतलब है कि ये सर्कुलर वायर होगी तो उसका डायमीटर से आप एरिया फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला क्या होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बट यहाँ पे आपको आर नहीं गिवन आपको डायमीटर गिवन है तो आप पहले डायमीटर को हाफ कर लें या आप पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर में आर की जगह आर की जगह डी बाई टू का स्क्वायर ले लें पाई आर स्क्वायर के बजाय डी बाई टू का स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या हो जाएगा डी स्क्र बाय फोर तो यहाँ से आपके पास एरिया निकल आएगा ठीक है और एरिया फ़ाइंड करने के बाद आपने क्या करना है एरिया फ़ाइंड हो गया कॉपर की रेजिस्टिविटी आ गई आपके पास आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला याद है आपको रो एल ओवर ए तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे रेजिस्टिविटी की लेंथ की और एरिया की और फिर इसको सिंप्लीफाई करके रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो ये आपने ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक्स आपके फोर्टीन और एट कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के ऊपर हैं तो ये भी आप रीड करें ठीक है आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें जिनमें मोस्टली मेटल्स आते हैं जिनकी सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है और इंसुलेटर्स आपको पता है वो होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को ठीक है उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉस नहीं होते मेटल्स की बात अगर की जाए तो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो आपके पास कंडक्टर्स हैं और नॉन मेटल्स आपके पास इंसुलेटर्स हैं ठीक है इन दो टॉपिक्स को आप खुद रीड करेंगे ये आप लोगों का होमवर्क है फोटीन पॉइंट सेवन और फोर्टीन पॉइंट एट ये दो टॉपिक्स आपने ख़ुद से पढ़ने हैं और याद भी करने हैं अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़